सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के नौसैनिक युद्ध के स्मरणोत्सव के मौके पर चेतावनी दी कि उनका देश और अमेरिका क्षेत्रीय शांति के लिए उत्तर कोरिया के दुस्साहसी खतरनाक खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मैल्कम टिनबुल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी शहर टाउनसविले में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी नागरिक 4 से 8 मई 1942 तक चली कोरल सागर की निर्णायक लड़ाई की स्मृति में एकत्रित हुए थे। इस युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई जहाजों के सहयोग से अमेरिकी विमानवाहक पोतों ने पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में जापानी नौसेना की घुसपैठ को रोक दिया था। टिनबुल युद्ध के शुरू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध के विमानवाहक पोत यूएसएस इंटरपिड में सवार होकर बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार नॉर्थ कोरिया के बर्ताव के कारण उसे पूरी दुनिया के कड़े रुख का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत बड़ा संघर्ष संभव है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।